हमने सबसे पहले ये चीज़ बोली है कि 10 साल रोडीज हो चुका है. अब कई लोगों को ये होता है कि हाँ अभी 11 साल है, 13 साल है, 17 साल है, वो हम कह रहे हैं भूल जाओ कि तुमने 10 साल किया उस, हाँ जी, वो जो कमाया है उसको भूल जाओ. ये नया सीज़न है, इसमें बहुत टाइम के लिए ना सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वोट आउट्स. उसमें ऐसा होता रहा कि आपने अगर इम्यूनिटी नहीं पाई तो 6-7 लोग हैं उनके बीच में से कोई ना कोई जाएगा, तो उसमें बहुत ये होता रहा कि तू मेरे लिए वोट मत करना, ये बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती थी. तो हम पूछते थे कि तुम पॉलिटिक्स क्यों करते हो, तो बोलते थे सर क्योंकि आप लोगों ने वोट आउट्स रखे. इस साल सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक रोडीज़ पे नहीं हुआ, हमने वोट आउट्स हटा दिए. इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको मिलकर 4-5 लोग एक ग्रुप बना के आपको बाहर नहीं निकाल सकते. अब आप अगर जाएंगे तो आप अपनी वजह से जाएंगे, परफॉर्मेंस कहीं पर आपने नहीं किया होगा उसकी वजह से जाएंगे. तो उसका जो रिएक्शन हमें मिला इस टाइम बहुत बढ़िया मिला, कि सब कह रहे हैं अब अगर मैं जाऊंगा अभी तो रिग्रेट नहीं रहता है कि हाँ आपने कहीं हार गए होंगे किसी टास्क में. बहुत सही रहा. ऊपर से हम लोग इंटरनेशनल जा चुके हैं काफ़ी बारी, लेकिन इस बार हमें लगा कि इंडिया के अंदर रहते और ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमने इंडिया रोडीज़ पे, हम ये इंडिया बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं. हम पिछली बार नॉर्थ ईस्ट गए थे और लोगों को बहुत पसंद आया था, हमें पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल है, तो इसीलिए हम जाते हैं इस जगह. इस बार हमने शुरू किया जोधपुर से, जो कि राजस्थान बहुत दूर जाते हैं, लेकिन हम गुजरात के थ्रू जाते जाते रन ऑफ कच्छ में वाइट रन पे जब गए, सिर्फ मैं नहीं मेरा क्रू रोडीज वगैरह जब गए, तो वहाँ के रिएक्शंस जो दुनिया देखेंगे, जो नहीं देखते हैं, जिनको नहीं पता उसके बारे में, जो इंडिया में नहीं देखते, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और ऊपर से ना जिस क्लाइमेट में हम गए थे बहुत ठंड थी, सो इट एवरीथिंग बिकेम टफर. राइडिंग अ बाइक बिकेम टफर, जब आपको टास्क हो रहा है, अगर कुछ छिल रहा है तो उसमें ज़्यादा. तो रोडीज 11 एक तो ये हो गया कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो टफ हो गया. अब ये नहीं कि आप दोस्ती बना लीजिए. दूसरा, टेरेन टफ है क्योंकि हम लोग डेजर्ट, हर जगह डेजर्ट्स पे थे. और चौथा कि ठंड थी, तो उससे ना चोट भी थोड़े यू नो सेक के बाद ही ठीक होती है. तो वो था. और इस बार आप ये भी देखेंगे कि अगर आपने ऑडिशंस देखे हैं उसमें पहले ही उसमें हम लोगों ने रेप के बारे में एक लड़की की सोच गलत थी मेरे हिसाब से. हम ही नहीं कह रहे हमारी सोच सही है, लेकिन जो भी हमारी सोच है हम उसको बाहर बोलते हैं. और जो रिएक्शन मिला हमें वो बहुत ही अच्छा मिला है. आज मुझे लग रहा है अभी रोडीज़ की भी जो ऑडियंस है जो बदल चुकी है, हमारे देश में एक बहुत सेंसिटिविटी आ चुकी है हर टॉपिक के हिसाब से. तो हमने तो अपने हिसाब से किसी ने कुछ गलत बोला, हमने उसको बोल दिया कि तुम गलत हो और ये सही बात है हमारी तरफ. और लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है फेसबुक पे, यू नो आता रहता है, हमारी मार्केट इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम है, उनकी रिसर्च होती है. द यूथ टुडे लाइक्स समबडी सेइंग द राइट थिंग इफ दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी. वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, मेरे को और रघु को लोग लाइक करते हैं किसी रीजन से, हमारे विचारों के ऊपर वो सोचते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग कूल हैं, ये टीचर्स नहीं हैं, प्रोफेसर्स नहीं हैं. उन्होंने बोला सर आपने सिखाया हमें. सेकेंड एपिसोड में एक एड्स का इन्फेक्टेड एक लड़का था महाराज, वो आया, हम उससे मिले, गले वले मिले, बातें बातें की. लोगों को पता लगा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि एड्स कैसे फैलता है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है, और एक बार ये हो जाए तो भी आप. तो ये आई थिंक हम एक अलग रोडीज़ भी अलग हो गया और एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को, अब पहले भी हम करते थे रोडीज 6 में, पर उस टाइम पे लोग सेंसिटिव नहीं थे. हम लड़कियों की इज्जत वगैरह के बाद रोडीज़ की जर्नी पे भी आप देखेंगे इसकी, जैसे बाहर लड़कियों को चूजिंग की ऑप्शन नहीं मिलती कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर इस बार आप रोडीज़ पे आप देखोगे कि लड़कियों के पास ज़्यादा पावर है. ऑडिशन प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो हम सेलेक्ट करेंगे इनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है और यही हमारा शो बनाएंगे. क्योंकि हमने एक सिचुएशन पहले से सोच रखी है कि 8 लोग आग में जाएंगे. अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलूँगा हाँ देख लूँगा, दूसरा बोलता है यार नहीं मुझे डर लगता है, तीसरा बोलेगा मैं तो कूदूंगा नहीं ऊपर. तो हमारा बहुत जो शो अगर कामयाब होता है तो इसलिए होता है कि लोग अलग अलग आपने चुने और वो इंटरेस्टिंग है. कि नॉर्मल लोग अगर तगड़े भी हों पर वो नॉर्मल है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो हम इसीलिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. और हमने सही बोला, बैकबोन है हमारे शो. हमारी स्क्रिप्टिंग 1% भी नहीं है. मैं अपने शो के बारे में बात करता हूँ, बाकी रियलिटी शोज के बारे में नहीं. इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अभी रोडीज आप लोग बाहर आओगे, बाइक्स पर बैठोगे और निकल जाओगे. अगर और ये स्क्रिप्टिंग नहीं है, इसमें सिर्फ हम बता रहे थे यू हैव टू कम आउट कैमराज एंड गो. टास्क चल रहा है तो मैं एक ही बार ही बताता हूँ उनको कि टास्क क्या है. ये नहीं कि उनको पहले से टास्क पता है, जो उनका रिएक्शन, क्योंकि इफ दे वर ट्रेन एक्टर्स तब होता एक सरप्राइज रिएक्शन दे, बट दे आर नॉट ट्रेन एक्टर्स. इनके रिएक्शंस को ऑक्यूपाई करने, कैप्चर करने के लिए ही हम लोग सब कुछ सीक्रेटिव रखते हैं. और अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो ये लोग बेस्ट एक्टर्स होते. और 11th सीज़न में रोडीज़ एक इकलौता ऐसा शो है इंडिया में जो कि इंडियन शो है,
आप बाकी इतने बड़े बड़े जो रियलिटी शोज के बारे में आप बात करेंगे, सब फॉरेन फॉर्मेट्स हैं, सब जो भी बड़ा अभी रियलिटी शो किसी का नाम लीजिए, दे आर फॉरेन फॉर्मेट्स। जो बाहर से जो गाइडलाइंस आती हैं उसके हिसाब से ही बनेगा, गाइडलाइंस आएंगी आपको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पे कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, ये एलिमिनेशन होगा, ऐसे होगा, और आप सिर्फ बना रहे हैं, स्टूडियो भी वैसे लगते हैं। रोडीज एक इकलौता शो है जो 19 बाहर के देशों में रजिस्टर्ड है कि अगर वो बनेगा तो हम बताएं कैसे बनेगा। तो इट्स अ शो दैट इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ, एटलीस्ट हम लोग जो एक इंडस्ट्री में। अ शो लाइक दिस पीपल कनेक्ट टू बिकॉज उनको रियल लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन में अगर आप 10 अलग अलग लोगों को डालो तो वो रिएक्शन अलग मिलना ही है। द कॉन्सेप्ट इज मेक्स मोर इंटरेस्टिंग। इट इज एक्चुअली हमारे रोडीज पे आप देखेंगे हर साल अर्बन से तो लोग होते हैं, रूरल से भी बहुत लोग होते हैं, और ऊपर से हिंदी अगर आपको नहीं आती तो आप रोडीज सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, बल्कि जिनको जो इंग्लिश में ज़्यादा टपर करते हैं उनको हम निकाल देते हैं ऑडिशंस में। कई बार प्रेशर डालने के लिए अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब कोई इंग्लिश में उनसे बात करते हैं थोड़े से घबरा जाते हैं, हमें ये देखना है कि आदमी कैसे घबराता है। ऑडिशंस एक प्रोसीजर, लेकिन रोडीज की जर्नी पे मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, बच्चे भी हिंदी में बात करते हैं, जब वो ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते हैं हिंदी हिंदी ऐसे बोलते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि जब हमने पहले एक दो साल ये शो किया था ना 2003, हमने देखा कि यार शो तो अच्छा, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन सिर्फ इतने लोग ही देख पा रहे हैं, बाकी को समझ नहीं आ रहा है। ये एक पहला रियलिटी शो जिसमें आप देखो सिर्फ हिंदी, हम लोग कंटेस्टेंट्स को जब कास्ट करते हैं हिंदी 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 बात करते आते, ताकि हमें भी पता है कि हम चाहते हैं ज़्यादा लोग देखें, हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग तक हम पहुँचे। और अगर आप देखें आशु आया था रोडी स्वाय में, वो जीता था सहारनपुर से, उसके बाद इतनी सारी लड़की, इस बार भी आप देखेंगे अलग अलग यू नो रूरल, और अब तो रूरल भी हमारा इंडिया में क्या है कि वहाँ पे भी मॉल्स बन चुके हैं। यू नो जब मैं जलंधर से, मेरा गांव जंदू संगा है, वहाँ पर मॉल है, इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर, इट्स अ टाउन। एंड आई थिंक हर जगह पहुँच गया, अब तो केबल टीवी हर जगह पहुँच गया, डिश टीवी और यू नो सेट टॉप बॉक्स। अजीब नहीं है रोडीज 11 में रघु और मैं, रोल ऐसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, रघु इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। कॉन्सेप्ट के साथ हम बस ये देख रहे हैं कि अब हमने तो जो वजह है ना, जो एक्सक्यूज थी पॉलिटिक्स की, वो हटा दी। अब देखना ये है कि क्या ये अभी भी पॉलिटिक्स करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने वजह हटा दी जो उन्होंने बोला था। और मुझे लगता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होगी पॉलिटिक्स, बिकॉज स्कूल्स और कॉलेजेस में वोट आउट्स नहीं होते, ऑफिसेज में नहीं होते वोट आउट्स, लेकिन वहाँ पे भी ग्रुपिज्म होता है, वहाँ पे भी एक संगठन बन जाता है, वहाँ पे भी एक बंदे को सिक्लूड कर देते हैं, वहाँ पे भी, वहाँ पर भी यू नो पॉलिटिक्स होते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बट हाँ इस बार ही दे वोंट हैव एक्सक्यूज कि सर वोट आउट्स थे, इस बार लड़के लड़कियाँ होंगे वो आपस में भी टास्क करेंगे, एक साथ भी करेंगे, पर लड़कियों को ज़्यादा पावर होगी, इतना ज़रूर आप देखेंगे गर्ल पावर। रोडीज से मैं पीछा छुड़ाने की बहुत साल से कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। पापी पेट का सवाल कह सकते हैं आप इसे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लत लग गई है उस शो की, छुड़ाना चाहता हूँ। इस साल मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, उस तरह मैं बना नहीं रहा हूँ इस शो को, मेरी टीम जो है वो बना रही है, सेम टीम है मगर मैं नहीं बना रहा हूँ इस, मगर कैमरे के सामने मैं उसी तरह नज़र आऊँगा जैसे हर साल नज़र आता हूँ ऑडिशंस में भी और जर्नी में भी। इस बार का एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वोट आउट्स हटा के एक नई चीज़ को लाना, वोट आउट्स जिससे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स और धोखा देना देने को प्रोत्साहन मिलता है, उसकी जगह ऐसी एक चीज़ लाना जिससे सिर्फ परफॉर्मेंस और आप आपकी ज़ुबान पे हम प्रेशर डालते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एक जर्नी शूट हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिले हमें, और मेरे लिए ये देखना बहुत अच्छा है कि पॉलिटिक्स जो खेलते हैं आदमी वो ज़रूरत की वजह से खेलते हैं या इंसानी फितरत की वजह से खेलते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो वोट आउट नहीं होता, ऑफिसेज में घरों में वोट आउट नहीं होते, मगर वहाँ पॉलिटिक्स तो फिर भी होते हैं, है ना। तो मेरा यही इस साल मैं देखना चाहता हूँ, मुझे कोई एक चीज़ की तलाश नहीं रहती, मुझे अलग अलग चीज़ें चाहिए, मगर जो भी हो इंटरेस्टिंग हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई सबसे बड़ा सबसे तेज़ धावक हो या तैराक हो या सबसे ऊँचा उछलता हो या सबसे तगड़ा हो, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग लोग चाहिए जो जिनमें एक ऐसी चीज़ हो जो आपको जिससे आपको मन करे उनको देखने का, उन देख के एक एंटरटेनमेंट हो, एक इंटरेस्ट जागे आप में उनको देख के, ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूँ। क्योंकि जैसे उसेन बोल्ट, अगर वो 10 सेकंड में भाग जाएँ 100 मीटर तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आए दिन भागते रहते हैं, है ना। अगर जो नहीं भाग सकता
उसको अगर 15-20 सेकंड में भी वो दौड़ पाए तो मेरे लिए वो बड़ी बात है, क्योंकि वो उसमें जान दिखती है, उसमें एक पैशन, एक जोश दिखता है, वो ढूंढते हैं हम लोगों में। ज़रूरी नहीं है उनमें ऑलरेडी हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें वो जोश ऑलरेडी है, मगर कई लोग ऐसे होंगे जिनमें नहीं है, या आने की ज़रूरत है या पॉसिबिलिटी है। एक लेवल पे सब अलग हैं, बहुत अलग हैं, मगर एक तरह सारे यूथ एक ही जैसे, आज चाहे इंडिया के बाहर के हों, अमेरिका के हों, जापान के हों, यूरोप के हों, या गांव के हों या शहर के हों, इंडिया में एक ही जैसे, उनके होप्स एक जैसे हैं, उनके एस्पिरेशंस एक जैसे हैं, वो जो करना चाहते हैं अपनी काबिलियत वो एक तरह की मानते हैं, जो कि है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई के ज़्यादा वो होते थे फैसिलिटीज़, तो वो अच्छी पढ़ाई करके ज़्यादा आगे जा सकते थे। आज ज़रूरी नहीं है पढ़ाई करना, जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते वो भी बहुत आगे जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, बिज़नेस में, पॉलिटिक्स में, संगीत में, मूवीज़ में, टेलीविज़न में, हर जगह आगे जा रहे हैं। तो और ये सबके सामने है, मतलब सिर्फ टेलीविज़न ही नहीं, अब इंटरनेट भी ऐसा आ चुका है कि हर कोई सहारनपुर में भी बैठ के वो यूएसए और यूरोप में क्या हो रहा है, वो फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रहे हैं या म्यूज़िक हो रहा है, सब देख रहा है, उसको फैशन वहाँ का सब दिख रहा है। तो मैं यूथ में फ़र्क नहीं समझता ज़्यादा, एक्चुअली जितना भी दिखता है ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर के फ़र्क है, अंदर सब एक जैसे हैं और अच्छे हैं। उस शो में उस मैं जो कर रहा हूँ वो एक किरदार समझिए आप, उस किरदार की ज़रूरत है उस शो में, उसके बाहर ज़रूरत नहीं, उसके बाहर तो मैं ऐसा हूँ।